मोदी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए बीजेपी को 3.5 घंटे, कांग्रेस को 38 मिनट का समय। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा न ही लंच ब्रेक। असम में बीजेपी सांसद की बेटी समेत 19 अफसरों को पुलिस हिरासत में भेजा। गिरफ्तार किए गए लोगों में SCS के 13, असम पुलिस सेवा के 3 और सहायक सेवा के 3 अधिकारी शामिल। दिल्ली में पतंग उड़ाते समय हाई टेंशन लाइन से करंट लगने पर 2 लोग झुलसे। सोनिया विहार इलाके में हुई घटना। हाई टेंशन तार से पतंग फंसने के बाद एक नाबालिग और एक युवक को लगा करंट। प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज के निधन पर छलका शायद राहत। इंदौरी का दर्द कहा। हिंदी और उर्दू के मंचों पर सबके साथ ताजिंदगी मोहब्बत बांटते रहे नीरज। प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज के निधन पर गहरा अफसोस जाहिर करते हुए राहत इंदौरी ने उन्हें धर्मनिरपेक्ष रचनाकार बताया। मोटी रकम हड़प कर देश से चंपत होने वालों पर नकेल। लोकसभा में बिल पारित। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों से सबक लेकर जागी सरकार। लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पारित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, मोबाइल ऐप के किए जाने वाले पासपोर्ट आवेदनों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित। मोबाइल ऐप से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर डाटा संरक्षण के ठोस उपाय किए गए। महाराष्ट्र में दूध की कीमत 25 रुपए प्रति लीटर घोषित। उत्पादकों ने आंदोलन वापस लिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे स्वाभिमानी शेतकारी संघटना के नेता और सांसद राजू शेट्टी ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। पूर्व IPS संजीव भट्ट की जान को अब खतरा नहीं। गुजरात सरकार ने वापस ली सुरक्षा। गुजरात सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को दी गई सुरक्षा वापस लेने का दावा किया है कि उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा के मामलों पर की चर्चा। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत में सहयोग, खोज और बचाव समेत आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर विचार रखे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने वनडे सीरीज में कुलदीप यादव का भले ही तोड़ निकाल लिया हो, लेकिन इंग्लैंड के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर फिल टकनेल ने टेस्ट टीम में उनके चयन को सही करार देते हुए कहा कि उन्हें 5 दिवसीय मैचों में मौका मिलना ही चाहिए। इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ इंडिया ए की हार नहीं बचा पाए ऋषभ और रहाणे। इंग्लैंड लॉयंस के काउंटी ग्राउंड में खेले गए 4 दिवसीय मैच के अंतिम दिन इंडिया ए को 253 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड लॉयंस ने इंडिया ए को 421 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। रेखा को पसंद आई फिल्म धड़क। जानवी और ईशान को लगाया गले। लंबे इंतजार के बाद जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को क्रिटिक्स का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहली फिल्म के रिलीज पर जानवी को याद आया माँ के नाम लिखा ये नोट। श्रीदेवी ने अपनी अदाकारी की जितनी भी खूबियां थी वो सब बेटी जानवी को सिखाई। वो बेटी को पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन श्रीदेवी का समय निधन हो गया। उनकी हसरत अधूरी ही रह गई। पंजाबी पॉप सिंगर अमनदीप सिंह लांबा के खिलाफ एक लड़की ने रेप का केस दर्ज करवाया है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी लड़की ने आरोप लगाया है कि अमनदीप ने अपनी एल्बम में रोल देने का वादा करते हुए शादी का झांसा दिया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने लड़की की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।